अस्सलाम वालेकुम। हे गाइस, कैसे हैं आप सब? होप यू आर इन चौकस माहौल। तो गाइस, आज आपका टॉम एक और न्यू वीडियो के साथ आ चुका है। तो गाइस, आज की वीडियो हमारी लॉबी सीसी इन एलाइन मोशन पर होने लगी है। तो इसको बनाना बहुत ही इजी है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, ठीक है? और गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। ओके, तो चलिए बिना किसी चवली के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चला। तो सबसे पहले गाइस, आपने ये अलाइड मोशन ऐप ओपन कर लेनी है। अगर ये आपके पास डाउनलोड नहीं है, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपने जाके इसको वहां से डाउनलोड कर लेना है। तो डाउनलोड करने के बाद आपने सिंपली इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको नीचे प्लस आइकन दिख रहा होगा, आपने उसको क्लिक करना है। यहाँ पर जो आपकी वीडियो का साइज या फॉर्मेट होगा उसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। तो सेलेक्ट करने के बाद आपने नीचे क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक कर लेना है। तो उसके बाद गाइस, आपने यहाँ पर अपनी वीडियो या क्लिप ऐड कर लेनी है। ऐड करने के लिए आप जाएंगे नीचे प्लस आइकन पर, वहां पर आपने मीडिया में से जो सी वीडियो या क्लिप ऐड करनी है उसको आपने ऐड कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने ये अपनी लॉबी वीडियो ऐड कर ली है। तो गाइस, अब हम इस वीडियो में सीसी इफेक्ट ऐड करेंगे। तो उसको ऐड करने के लिए सबसे पहले आपने एक रेक्टेंगल शेप ऐड कर लेनी है। ऐड करने के लिए आप जाएंगे नीचे प्लस आइकन पर, यहाँ पर आपको ये ऊपर रेक्टेंगल शेप दिख रही होगी, आपने इसको ऐड कर लेना है। तो ऐड करने के बाद गाइस, आपने इसको सबसे पहले अपनी फुल स्क्रीन पर एडजस्ट कर लेना है। तो इसके बाद गाइस, अब हम इसमें कुछ इफेक्ट्स ऐड करेंगे। तो जो हमारा फर्स्ट इफेक्ट होगा उसका नाम है कॉपी बैकग्राउंड, इसको आपने सिंपली ऐड कर लेना है। इसके बाद गाइस, अब हम सेकंड इफेक्ट ऐड करेंगे विग्नेट, इसको आपने स्टैंडर्ड सेटिंग पर ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद आपने सबसे पहले इसका साइज 140% कर लेना है। उसके बाद आपने नीचे राउंडनेस को 0 कर लेना है और थर्ड में आपने फीडर को 1.00 कर लेना है। तो इसके बाद गाइस, अब हम थर्ड इफेक्ट ऐड करेंगे एक्सपोजर एंड गामा, इसको आपने सिंपली स्टैंडर्ड सेटिंग पर ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद गाइस, आपने सबसे पहले इसका एक्सपोजर -0.36 कर लेना है। उसके बाद आपने नीचे गामा को 0.940 कर लेना है एंड लास्ट में आपने ऑफसेट को 0.10 कर लेना है। तो ये करने के बाद गाइस, अब हम नेक्स्ट इफेक्ट ऐड करेंगे सैचुरेशन एंड वाइब्रेंस, इसको आपने सिंपली ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद आपने सैचुरेशन को फुल 100% कर लेना है। तो इसके बाद अब हम नेक्स्ट इफेक्ट ऐड करेंगे फ्लिकर, इसको ऐड करने से आपके स्काई ग्लो में फ्लिकर इफेक्ट ऐड हो जाएगा। तो आपने इसको ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद आपने इसकी फ्रिक्वेंसी को सबसे पहले फुल 10 हर्ट्ज कर लेना है। उसके बाद नीचे स्ट्रेंथ को आपने 0.06 कर लेना है। तो ये करने के बाद गाइस, अब हम इस लेयर में लास्ट इफेक्ट ऐड करेंगे रिप्लेस कलर, इसको आपने स्टैंडर्ड सेटिंग पर ऐड कर लेना है। तो रिप्लेस कलर को आपने सबसे पहले पर्पल कर लेना है, उसके बाद न्यू कलर को हाफ व्हाइट या ये ग्रीन कलर ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद आपने सबसे पहले इसके थ्रेशहोल्ड को 100 कर लेना है। उसके बाद आपने इसके लास्ट में लॉक ल्यूमिनेंस को इनेबल कर लेना है। तो इसके बाद गाइस, आपकी ये फर्स्ट लेयर के इफेक्ट्स कंप्लीट हो चुकी हैं। तो ये आपकी जो लेयर है ये आपने अपनी फुल वीडियो में ऐड कर लेनी है। आपने अपने वीडियो को लास्ट में आ जाना है, उसके बाद आपने इस लेयर को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने इसको अपनी फुल वीडियो में ऐड कर लेना है। इसके बाद गाइस, अब हम सेकंड रेक्टेंगल शेप ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद गाइस, इसका साइज जिस तरह मैंने एडजस्ट किया है आपने भी सेम इस तरह कर लेना है। आप जाएंगे नीचे मूव एंड ट्रांसफॉर्म में, तो यहाँ पर जिस तरह मैंने इसकी शेप बनाई है आपने भी सेम इसी तरह बना लेनी है। उसके बाद गाइस, आप जाएंगे नीचे एडिट शेप में, यहाँ पर आपने इसकी रेडियस को इंक्रीज कर लेना है। इंक्रीज करेंगे तो जो इसकी कर्व्स होंगी वो राउंडेड बन जाएंगी। तो इसके बाद गाइस, अब हम इसमें कुछ इफेक्ट्स ऐड करेंगे। जो आपने फर्स्ट इफेक्ट ऐड करना है उसका नाम है कॉपी बैकग्राउंड, इसको आपने ऐड कर लेना है। तो ये करने के बाद अब हम सेकंड इफेक्ट ऐड करेंगे एक्सपोजर एंड गामा, इसको आपने स्टैंडर्ड सेटिंग पर ऐड कर लेना है। तो ऐड करने के बाद गाइस, आपने सबसे पहले इसका एक्सपोजर फुल 2.0 कर लेना है। इसके बाद आपने नीचे इसके गामा को 0.200 कर लेना है और लास्ट में ऑफसेट को आपने 0.14 कर लेना है। तो इसके बाद गाइस, अब हम थर्ड इफेक्ट ऐड करेंगे सैचुरेशन एंड वाइब्रेंस, इसको आपने ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद आपने सैचुरेशन को भी फुल 100 कर लेना है और वाइब्रेंस को भी आपने 2.0 कर लेना है। तो इसके बाद गाइस, जो हम नेक्स्ट इफेक्ट ऐड करेंगे उसका नाम है गॉशियन ब्लर, इसको आपने स्टैंडर्ड सेटिंग पर ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद आपने गॉशियन ब्लर को फुल इंक्रीज कर लेना है। तो इसके बाद गाइस, अब हम नेक्स्ट इफेक्ट ऐड करेंगे हॉट कलर, इसको आपने ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद जो आपने अपने स्काई ग्लो का कलर रखना है वो आप यहाँ पर रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं फिलहाल इसका कलर येलो एंड ब्लू कर लेता हूँ। तो अगर आपने स्काई ग्लो का यही कलर देना है तो आपने सेम इसी तरह सेटिंग कर लेनी है। तो इसके बाद गाइस, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा थोड़ा बहुत ग्लो ऐड हो चुका है। तो इसके बाद गाइस, अब हम इसमें भी फ्लिकर इफेक्ट ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद आपने यहाँ पर इसकी फ्रिक्वेंसी को फुल इंक्रीज कर लेना है और उसके बाद आपने नीचे स्ट्रेंथ को 0.6 या 7 कर लेना है। तो ये करने के बाद हमारे इस लेयर के भी इफेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं।
अब आप यहाँ पर बैक आ जाएंगे। उसके बाद आपने जाना इस लेयर की ब्लेंडिंग एंड कैपेसिटी में। यहाँ पर आपने लाइटन में लीनियर डॉज को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करेंगे तो ये आपकी वीडियो में स्काई ग्लो ऐड हो जाएगा। तो इसके बाद गाइस आपने इस लेयर को भी अपनी पूरी वीडियो में ऐड कर लेना है। तो इसके बाद गाइस अब हम अपनी वीडियो में क्वालिटी ऐड करेंगे। ऐड करने के लिए आप जाएंगे नीचे दोबारा प्लस आइकन पर, वहां पर आपने ये रेक्टेंगल शेप ऐड कर लेनी है। ऐड करने के बाद आपने इसको अपनी फुल स्क्रीन पर एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद जो हम इसमें फर्स्ट इफेक्ट ऐड करेंगे उसका नाम है कॉपी बैकग्राउंड, इसको आपने सिंपली ऐड कर लेना है। तो इसके बाद अब हम सेकंड इफेक्ट ऐड करेंगे गॉशियन ब्लर, ये आपने सिंपली ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद आपने इसकी शतरंज को 0.30 कर लेना है। तो ये करने के बाद अब हम थर्ड इफेक्ट ऐड करेंगे एक्सपोजर एंड गामा, इसको आपने ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद आपने एक्सपोजर को -1.15 कर लेना है और गामा को आपने 0.980 कर लेना है। तो इसके बाद गाइस आपने बैक का जाना है। यहाँ पर आप जाएंगे इसकी ब्लेंडिंग एंड कैपेसिटी में। उसके बाद आपने यहाँ पे डिफरेंस में सब्ट्रैक्ट को सिलेक्ट कर लेना है। तो इसके बाद गाइस आपने इस लेयर को भी अपनी पूरी वीडियो में ऐड कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपकी वीडियो में क्वालिटी तो ऐड हो गई लेकिन आपकी वीडियो थोड़ी सी डल है। तो इसमें ब्राइटनेस ऐड करने के लिए आपने एक और रेक्टेंगुलर शेप ऐड कर लेनी है। ऐड करने के बाद आपने इसके कलर एंड फिल पर जाना है। उसके बाद जो आपने इस रेक्टेंगल शेप पर कलर रखना है वो व्हाइट कर लेना है। तो करने के बाद आपने इसको अपनी फुल स्क्रीन पर एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद गाइस आप जाएंगे इसके ब्लेंडिंग एंड कैपेसिटी में, यहाँ पर आपने कॉन्ट्रास्ट में ओवरले को सिलेक्ट कर लेना है। तो इसके बाद गाइस आप देख सकते हैं कि आपकी वीडियो में क्वालिटी और स्काई ग्लो ऐड हो चुका है। तो इसके बाद आपने इस लेयर को भी अपनी पूरी वीडियो में ऐड कर लेना है। तो गाइस ये आप देख सकते हैं कि आपकी वीडियो रेडी हो चुकी है। तो इसके बाद गाइस आपने अपनी वीडियो का एक्सपोर्ट कर लेना है। तो गाइस यही थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो चौकस लगी होगी, मजा आया। अगर आपको ये वीडियो चौकस लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे नहीं पता ये जो नीचे लाल बटन है इसको आप घुसा मारो या लात मारो, ये रेड से व्हाइट हो जाना चाहिए। भाई ने बोला करने का तो करने का। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।